अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपके साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर के बारे में। जीसी यूनिवर्सिटी एक पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है जो कि लाहौर में लोकेटेड है और जीसीयू का एक न्यू कैंपस कालाशाह काकू में भी लोकेटेड है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की जानिब से साल में दो बार एडमिशन ऑफर किए जाते हैं। फॉल एडमिशन जुलाई में और स्प्रिंग एडमिशन दिसंबर में ओपन होते हैं। जीसीयू की जानिब से फॉल 2022 के एडमिशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज भी किया जा चुका है। जीसीयू में ऑफर होने वाले अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में शामिल हैं फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंसेज में मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, साइकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। फैकल्टी ऑफ मैथमेटिकल एंड फिजिकल साइंसेज में फिजिक्स, इन्वायरमेंटल साइंसेज, कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज में कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, LLB 5 years, BFA ग्राफिक डिजाइन, BFA पेंटिंग, सोशोलॉजी, मैनेजमेंट, बिजनेस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज एंड पॉलिटिकल साइंस। जबकि फैकल्टी ऑफ लैंग्वेजेस इस्लामिक एंड ओरिएंटल लर्निंग में इंग्लिश लिटरेचर, इस्लामिक स्टडीज, उर्दू, पंजाबी एंड पर्शियन वगैरह शामिल हैं। और जीसी यूनिवर्सिटी के कालाशाह काकू कैंपस में ऑफर होने वाले BS प्रोग्राम्स में शामिल हैं हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज, आर्ट हिस्ट्री एंड स्टैटिस्टिक्स। जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 30 जुलाई 2022 है। तमाम कैंडिडेट्स को जीसीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करनी होगी। और जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के एडमिशन्स मुख्तलिफ कैटेगरीज की बेसिस पर होते हैं, जिनमें शामिल हैं ओपन मेरिट, ए लेवल्स, हिफ्ज़े कुरान, ऑल जीसीयू स्टूडेंट्स, ओवरसीज पाकिस्तानीज, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, डिसेबिलिटी, स्पोर्ट्स, माइनॉरिटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज, प्रोविंसेस अदर देन पंजाब थ्रू नॉमिनेशन, ट्राइबल एरियाज ऑफ डीजी खान एंड एक्स फटा। और याद रहे कि जीसी यूनिवर्सिटी में सिर्फ पंजाब के डोमिसाइल होल्डर्स ही अप्लाई कर सकते हैं, जबकि दूसरे प्रोविंसेस के स्टूडेंट्स अपनी रिजर्व सीटों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करें तो ऐसे तमाम मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन में मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर किए हों, और ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो रेगुलर और सेल्फ सपोर्टिंग बेसिस पर एडमिशन के लिए अप्लाई करें या ए लेवल्स, ओवरसीज पाकिस्तानी, माइनॉरिटीज और हिफ्ज़े कुरान बेसिस पर अप्लाई करें तो ऐसे तमाम कैंडिडेट्स को प्री एडमिशन एंट्री टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। जबकि डिसेबिलिटी, स्पोर्ट्स एंड को करिकुलर एक्टिविटीज, एक्स फाटा और दूसरे प्रोविंसेस की रिजर्व सीट्स के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स के लिए एंट्री टेस्ट की एग्जेम्पशन होगी। को करिकुलर एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स बेसिस पर अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स को शेड्यूल के अकॉर्डिंग ट्रायल में अपियर होना होगा। और प्री एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट के रिजल्ट के बाद इंटरव्यू में अपियर होने वाले कैंडिडेट्स की लिस्ट वेबसाइट पर डिस्प्ले कर दी जाएगी। अब हम मेरिट फार्मूला की बात करें तो मैट्रिक के मार्क्स की 10% वेटेज, इंटरमीडिएट के मार्क्स की 40% वेटेज, एंट्री टेस्ट के मार्क्स की 30% वेटेज, जबकि इंटरव्यू की 20% वेटेज शामिल की जाएगी। तो ऐसे तमाम कैंडिडेट्स जिनके पास सेकंड ईयर का रिजल्ट अवेलेबल नहीं है तो उनकी फर्स्ट ईयर की 40% वेटेज शामिल होगी। इसके अलावा BS इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और स्टैटिस्टिक्स के लिए ऐसे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स पढ़ा हो। ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा तो वो भी BS इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और स्टैटिस्टिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स को एडमिशन सिक्योर करने के बाद मैथमेटिक्स के डेफिशिएंट कोर्सेज कंप्लीट करने होंगे और इन एडिशन कोर्सेज के लिए अलहदा से फी चार्ज की जाएगी। DAE के स्टूडेंट्स सिर्फ BS इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और DCOM के स्टूडेंट्स सिर्फ BS कॉमर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और BFA ग्राफिक डिजाइन, पेंटिंग, BS फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कैंडिडेट्स को परफॉर्मेंस बेस्ड एंट्री टेस्ट देना होगा। LLB के 5 year प्रोग्राम में ऐसे तमाम स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट में मिनिमम 50% मार्क्स हासिल किए हों और स्टूडेंट्स ने HEC की तरफ से कंडक्ट किया जाने वाला लैट टेस्ट लाजमी पास किया हो। और ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक लॉ एडमिशन टेस्ट क्वालिफाई नहीं किया तो वो भी एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन इन्हें नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। और जो स्टूडेंट्स लैट टेस्ट पास नहीं कर पाते तो उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। BS कंप्यूटर साइंस के लिए ऐसे तमाम स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने FSC प्री इंजीनियरिंग या FSC प्री मेडिकल मिनिमम 50% मार्क्स के साथ क्वालिफाई की हो। एडमिशन के बाद FSC प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स के 6 credit hours के डेफिशिएंट कोर्सेज कंप्लीट करने होंगे। इसके अलावा जनरल साइंस के स्टूडेंट्स जिन्होंने इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स या मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस फिजिक्स या मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस इकोनॉमिक्स या मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़े हों तो ऐसे स्टूडेंट्स भी BSCS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद तमाम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के रेगुलर सेशन का फीस स्ट्रक्चर चेक करें तो इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज, पर्शियन, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, पंजाबी, उर्दू, सोशोलॉजी और फाइन आर्ट्स के पहले सेमेस्टर की टोटल फी
44,180 है और BS बॉटनी, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी, बिजनेस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और फिजिकल एजुकेशन की पहले सेमेस्टर की फी 47,200 है, जबकि माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंसेज और BS इलेक्ट्रॉनिक्स की पहले सेमेस्टर की फी 71,100 है। और जिसी यूनिवर्सिटी के तमाम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट्स चेक करें तो बायोटेक्नोलॉजी का 76.71%, बॉटनी का 73.54%, बिजनेस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का 76.47%, केमिस्ट्री का 80.51%, इलेक्ट्रॉनिक्स का 53.90%, इंग्लिश लिटरेचर का 81.25%, इन्वायरमेंटल साइंसेज का 71.92%, हिस्ट्री का 72.23%, मैथमेटिक्स का 73.35%, माइक्रोबायोलॉजी का 59.86%, पर्शियन का 56.09%, फिलोसफी का 67.01%, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज का 62.62%, फिजिक्स का 77.21%, पॉलिटिकल साइंस का 79.81%, साइकोलॉजी का 80.39%, पंजाबी का 58.44%, सोशियोलॉजी का 58.38%, स्टैटिस्टिक्स का 57.34%, उर्दू का 66.57% और जूलॉजी का 76.49%। इन तमाम क्लोजिंग मेरिट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि GCU में एडमिशन के लिए आपको कितना एग्रीगेट रिक्वायर्ड होगा। अब हम ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसीजर भी चेक कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले GCU की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा और फिर यहाँ होम पेज से अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से साइन अप हियर पर क्लिक करें और फिर नेक्स्ट अपना नेम, फादर नेम और CNIC राइट करें, देन जेंडर और डेट ऑफ बर्थ चूज करें, नेक्स्ट पोस्टल एड्रेस और सिटी नेम राइट करें, देन फोन नंबर और ईमेल राइट करें। इसके बाद अपनी मर्जी से कोई पासवर्ड पुट करें और फिर उसी पासवर्ड को नीचे लिख दें और आखिर में साइन अप के बटन पर क्लिक कर दें। इसके बाद आपको इस तरह की एक कंफर्मेशन ईमेल सेंड की जाएगी। आपने यहां से क्लिक हेयर पर क्लिक करना है तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद लॉगिन करने के लिए क्लिक हेयर टू लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपने इधर अपना ईमेल और पासवर्ड पुट करके लॉगिन कर लेना है। नेक्स्ट आपने अपना प्रोग्राम चूज करना है जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं और फिर स्टेप बाय स्टेप अपना फॉर्म फिल करते जाएं। सबसे पहले प्रोफाइल पर क्लिक करके अपनी पर्सनल डिटेल्स अपलोड करें और अपनी एक अदद पासपोर्ट साइज पिक्चर अपलोड करें और फिर सेकंड पोर्शन पर क्लिक करके अपनी तमाम एजुकेशनल डिटेल्स अपलोड कर दें। सबसे पहले मैट्रिक की डिटेल्स दें और फिर इंटरमीडिएट की, और अगर आप LLB प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो LAT टेस्ट की डिटेल्स दें। देन अपना कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके एक दफा रिव्यू कर लें ताकि अगर कोई मिस्टेक हो तो आप उसे एडिट कर सकें, और फिर चलान फॉर्म को डाउनलोड कर लें और उसका प्रिंट लेके एप्लीकेशन फी सबमिट करवाएं, और लास्ट में पेड चलान की एक पिक्चर अपलोड कर दें और साथ ही साथ अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड कर लें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था अप्लाई करने का प्रोसीजर। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मजीद इस तरह की अपडेट्स हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।